इस एरिया के घर चेक करो। अरे क्या बात है, सुबह सुबह भाई के साथ कांड हो गया, भाई का फोन टूट गया वो भी रिपेयर करवाने जाना सिटी में, खर्चा आ गया, इनकम होने ही खर्चे आई जा रहे हैं। कल मेरे को एक बंदे ने इंस्टा पे मैसेज किया और मैंने सोचा कि भाई अब मैं कल ही वीडियो बना के जितनी जल्दी हो सकता है डाल दूंगा, क्योंकि भाई तुम लोग बहुत बहुत बढ़िया प्यार दे रहे हो यार, कमेंट इतनी बढ़िया बढ़िया दे रहे हो, व्यूज़ इतने अच्छे आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी भाई तुम सवाल जवाब कर रहे हो। ऑप्टस पे फ़ोन लेने जा रहे हैं भाई के लिए, ठीक है लेट्स गो। ऑप्टस पे फ़ोन लेने जा रहे हैं भाई का, चलो भाई। हाँ जी, जब मैं और सौरदीप जब हम बस पकड़ रहे थे तो भागते भागते ना भाई का फ़ोन जेब से गिर गया और स्क्रीन डैमेज हो गई थी, तो फिर उसके लिए हम फ़ोन देखने ऑप्टस में गए। हमने और भी बहुत जगह देखा, हार्वे नॉर्मन, जेबी हाईफाई, टेलस्ट्रा, वोडाफोन, हर जगह देखा, लेकिन ऑप्टस का हमको डील अच्छी लगी। और यहाँ पे सारे फ़ोन के प्राइजेज इतने कम थे, आईफोन 11 सिर्फ $18 का था, लेकिन ये पर मंथ की कॉस्ट थी, जितने भी आपको फ़ोटोज़ में दिख रहे हैं ये पर मंथ हमको इतना पे करना होगा तो फ़ोन हमारा होगा फॉर 2 ईयर्स। हाँ जी गाइस, फ़ोन ले लिया, इसको पड़ा है $40 पर मंथ, 100 GB डाटा और फ़ोन की कॉस्ट उसमें ही है, तो $39 इन टोटल स्टूडेंट डिस्काउंट लग गया भाई को। बहुत बहुत बढ़िया डील थी, मज़ा आ गया देख के, और आपको फ़ोन का रिव्यू देंगे घर जाके। ओके बाय। हाँ जी गाइज, ये फ्लैटमेट ने ई बाइक ली है डोर डैश करने के लिए, बहुत बढ़िया चीज़ है। ये बैटरी इसकी आई गेस ये मेरे ख्याल ये बैटरी होती है इसकी, ठीक है। और ये हमारा वाईफाई हमने लगवाया है, टेलस्ट्रा का वाईफाई है, ओनली $1 फर्स्ट मंथ के लिए, बाकी फिर वही $85। साइकिल बढ़िया है यार भाई की, गियर भी है, स्क्रीन गियर, लॉक, ये लाइट, ये गियर, ये शायद रेस देने आ गया जी। बैग डोर डैश के लिए, जॉब्स और अकोमोडेशन के रिलेटेड बात करनी थी वो मैं बता देता हूँ। देखो बात ऐसी है कि भाई जॉब्स जो है ना, इधर हमको 2 महीने हो गए हैं, हम जा के भी रिज्यूमे दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, और हम जो है ऑनलाइन भी अप्लाई कर रहे हैं। मैंने तो अभी देखो 40-50 जगह ऑनलाइन अप्लाई किया होगा, OTR, मैकडोनल्ड, KFC और क्या होता है, पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज, हंगरी जैक्स, बहुत जगह किया, कहीं से मेरे को रिस्पांस नहीं आया। और मेरा जो फ्लैटमेट है सौरदीप, उसने कम से कम 1000-1200 जगह अप्लाई करा होगा ऑनलाइन, मेरे से बहुत ज़्यादा जगह उसने अप्लाई किया, उसको भी कहीं से भी कोई रिस्पांस नहीं आया। एक जगह से आया था उसको, लेकिन वो ये कि वो जगह ही हमारे घर से 1.5 घंटा दूर है। अब यूनि जाने में भी 1.5 घंटा लगता है और जॉब पर भी 1.5 घंटा लगता है, अगर लगेगा इन फ्यूचर तो भाई कोई फ़ायदा नहीं ना, घर हमारा फिर गलत लोकेशन पे पड़ा। घर या तो यूनी से पास होना चाहिए या फिर काम से पास होना चाहिए, अगर घर दोनों जगह से दूर है तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं घर लेने का। और दूसरी बात, भाई घर ही नहीं है यहाँ पे, बढ़िया बहुत अच्छा रेंट है, अच्छी जगह है, अच्छे लोग हैं, सब कुछ बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी यहाँ पे जो नए बच्चे आ रहे हैं नेक्स्ट इनटेक के लिए, जैसे अभी से आना शुरू हो गए हैं, वो भी भाई Airbnb या फिर जो है सिटी में रह रहे हैं, सिटी में बहुत एक्सपेंसिव है रहना, 210 पर वीक। हाँ, मेलबर्न सिडनी से कंपेयर करोगे तो फिर तो यार कुछ भी नहीं खर्चा, लेकिन बात ऐसी है कि भाई अगर हम मेलबर्न सिडनी में नहीं है, हम अभी एडिलेड में, तो यहीं के हिसाब से बात करेंगे। यहाँ पे भाई घर पहली बात तो मिलने मुश्किल है, मिल जाएंगे लेकिन मुश्किल है, जॉब भी मिल जाएगी लेकिन मुश्किल है। गाइस, मैं एक बात बताना चाहूँगा, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़े लेवल का स्कैम हो रहा है जिसको बोलते हैं ट्रायल शिफ्ट। तो भाई बात ऐसी है कि आप कहीं पे भी जॉब मांगने या काम की बात करने जाओगे तो वो आपका रिज्यूमे ले लेंगे और आपको ये बोलेंगे कि भाई आप इस दिन आ जाओ या इतने घंटे आप ट्रायल शिफ्ट दे दो, फिर हम आपको बताएंगे कि आपको शिफ्ट्स के लिए आना है या नहीं। तो भाई बात ऐसी है, तो सरेआम जो है ये बहुत बड़े लेवल का स्कैम है, साफ सीधी बात है, मेरे साथ भी 2 बार ही हो चुके हैं। एक बंदे ने बताया है कि भाई यहाँ पे ट्रायल शिफ्ट के नाम पे ना स्कैम हो रहा है,
तुमसे काम भी करा लेते हैं और तुम भी अपना बेस्ट दोगे, क्योंकि वो तुम्हारा फर्स्ट डे है, तुम भी यही चाहोगे कि भाई हमको जॉब मिल जाए, हमसे कोई गड़बड़ ना हो। तो एक तो तुम अपना बेस्ट दे रहे हो, दूसरा कि भाई वो तुमको पैसे नहीं देंगे, उनका काम भी हो रहा है, तीसरा वो तुमको काम ज़्यादा देंगे, ठीक है, और तुम भी फटाफट करोगे और अपना बेस्ट भी दोगे। तो भाई इस चीज़ से सावधान रहना, पैसे नहीं देंगे ये लोग ना हायर करेंगे, उनके पास ऑलरेडी 700-800 रिज्यूमे पड़े हैं बच्चों के, क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत हैं, हर कोई रिज्यूमे दे देता है। तो वो क्या करते हैं, बच्चों को फ़ोन करके बोलते हैं कि भाई तुम इस दिन आ जाओ और इतनी देर के लिए आ जाओ, फिर वही किसी और बच्चे को बोलेंगे कि तुम इस दिन आओ लेकिन इस टाइम पे आओ, तो उनका भाई एक दिन में 2-3 बच्चे ट्रायल शिफ्ट वो कर रहे हैं, तो उनका तो भाई काम चल रहा है ना। हायर वो किसी को नहीं करते, हायर उन्होंने वही 3-4 बंदे कर रखे हैं, वो वहाँ पे फिक्स्ड वही हैं, जो वो लोग एक्स्ट्रा जो ट्रायल शिफ्ट के लिए बुला रहे हैं उनसे ही काम कराते हैं मेन। और बच्चा भी यही सोच के करता है कि भाई मेरे को अपना बेस्ट देना है, मुझे यहाँ पे जॉब चाहिए। तो भाई यहाँ पे आके मैंने ये चीज़ तो सीख ली, ये है, और ये चीज़ कनाडा में भी बहुत हो रही है और यहाँ पे भी हो रही है। कल मेरी एक भाई से फ़ोन पे बात हुई थी, तो उसने भी यही चीज़ बोली कि भाई पैसे नहीं देते, ट्रायल शिफ्ट पे काम करा लेते हैं। तो भाई ये चीज़ गलत है और मुझे ये अब पता चली है। तो प्लीज़ गाइज इस चीज़ से बहुत अलर्ट रहना, और स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इस चीज़ को ध्यान में रखना। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि भाई देखो, अगर आओगे तो फॉरेक्स कार्ड में या फिर जैसे कैश ला रहे हो तो इतना लाना कि भाई 4-5 महीने का गुजारा हो जाए। मैं 4-5 महीने इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई अगर तुमको जॉब मिल भी जाती है तो पैसा वेस्ट थोड़ी होगा, पैसा तो तुम अपने पास ही रखोगे ना। कनाडा का ये सिस्टम बढ़िया है कि वहाँ पे GIC उन्होंने कर रखी है कि भाई $10,000 बच्चे के पास है, कल को बच्चे को जॉब लेट मिलती है या नहीं मिलती तो वो गुजारा कर लेगा। यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, तो यहाँ पे अपने हिसाब से जो है बंदा कैश लाता है या फॉरेक्स में डलवाता है। मैं दोनों चीज़ें करके लाया था, लेकिन वही है कि भाई अपना जो है तुमको फाइनेंसेस देख के लाने हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे अगर जॉब तुम्हारी नहीं भी लगती तो तुम खाओगे तो सही ना भाई, रहना भी है, रेंट भी देना है, फ़ोन का सिम का खर्चा है, मेट्रो कार्ड का खर्चा है, घर का जो रेंट है उसका खर्चा है। इस पर मैं अलग वीडियो बनाऊँगा, एक्सपेंसेस एंड इनकम इन ऑस्ट्रेलिया। अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ जो है कि भाई घर और जॉब मिलना मुश्किल है लेकिन मिल जाती है, ऐसी बात नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी, लगे रहो, ठीक है। रेफरेंस, अगर तुम्हारी रेफरेंस है या फिर तुम्हारा यहाँ पे कोई भाई बहन रिश्तेदार कोई भी रहता है या फ्रेंड रहता है, तुम्हारी बहुत हेल्प हो सकती है। मेरा कोई नहीं था, करना पड़ता है भाई, अब बंदा अकेला हो भाई, घर भी ढूंढा हमने, ग्रोसरी का अपना अलग खर्चा है, एंड वो ये कि 4 बंदों में डिवाइड हो जाएगा। अभी तो फिलहाल 3 बंदे रह रहे हैं घर में, अभी थोड़े टाइम में 4 बंदे हो जाएंगे, तो 4 बंदों में डिवाइड होगा खर्चा इसका। और इस घर में जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो इंक्लूडेड नहीं है, 3 महीने बाद जो बिल आएगा वो हमको ही डिवाइड होके डिवाइड करके देना पड़ेगा, एंड जो वाटर बिल है वो इंक्लूडेड है। तो इस करके जो भी है, चलो खर्चे तो है ही हैं। बिवेयर ऑफ दीज थिंग इन ऑस्ट्रेलिया, भाई साहब क्रेजी व्यूज़, क्या कमेंट्स दे रहे हो तुम लोग, इंस्टाग्राम पे भी तुम लोग काफ़ी मेरे को DM आते हैं, पूछते हो, बहुत अच्छा लगता है भाई, बहुत बढ़िया लगता है, जेन्युइन मज़ा आ जाता है भाई। चलो लगे रहो। तो गाइस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, सब्सक्राइब कर दो चैनल पे नए हो तो, यहाँ पे आना चाहते हो या फिर तुम्हारा कोई फ्रेंड आना चाहता है तो मेरा चैनल ज़रूर रिकमेंड करना, सारी वीडियोस देखना, हफ्ते में 1 या 2 वीडियोस कम से कम पोस्ट कर दिया करूँगा, यहाँ पे टाइम की थोड़ी कमी है तो मैनेज करना मुश्किल है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरा 100% दूंगा, ठीक है। अगली वीडियो किस टॉपिक पर जाते हो ज़रूर बताना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करो। ओके बाय।